बीती शाम मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। वृंदावन में एक जर्जर मकान के ढहने से उसके मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। 2 घायल वृंदावन के 100-शैया अस्पताल में भर्ती हैं, 1 मथुरा के सिटी अस्पताल में है और 1 आगरा रेफर कर दिया गया है। हादसे में सबसे दर्दनाक बात ये रही कि इसमें 2 बेटियों के सामने उनकी माताओं की मौत हो गई। दोनों बेटियां भी उपचाराधीन हैं। बता दें कि वृंदावन के 100-शैया अस्पताल में भर्ती कानपुर नगर के फेज 2 निवासी शिव नारायण कश्यप ने बताया कि हादसे में उनकी पत्नी गीता कश्यप की मौत हो गई है। पत्नी गीता और बेटी अनामिका रश्मि गुप्ता के साथ श्री बांके बिहारी के दर्शन को करीब 5:15 बजे गई थी, जबकि वह खुद धर्मशाला में ही रुका हुआ था। दर्शन कर पत्नी, बेटी और रश्मि गुप्ता लगभग 6:15 बजे लौट रही थी, तब ये हादसा हो गया। उनको बेटी द्वारा फोन कर हादसे की जानकारी दी गई। वह तत्काल 100-शैया अस्पताल पहुंचे, वहां पत्नी मृत पड़ी थी। इधर बेटी घायल हालत में थी, उसे देख उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं घायल आकांक्षा मुगई कृष्णा वृंदावन में ओमेक्स की रहने वाली हैं, जिसे सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकांक्षा की माँ अंजू मुगई की इस हादसे में जान चली गई। आकांक्षा ने बताया कि वह मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है, अपनी माँ के साथ ओमेक्स स्थित अपार्टमेंट में रहती है। आकांक्षा बताती है कि उनके सिर पर अचानक से मलबा गिरा, इससे पहले ही वह कुछ समझ पाती मां मलबे में दब चुके थे। वह खुद भी इतनी घायल हो गई कि धीरे धीरे 2 मिनट में बेहोश हो गए। इधर फरीदाबाद के रहने वाले घायल पंकज मारवा का पैर टूट गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे का शिकार सभी लोग श्री बांके बिहारी के दर्शन करके मंदिर से महज 10 मिनट पहले ही निकले हुए थे और दुसायत मोहल्ले के निकासी मार्ग से वापस लौट रहे थे। वहीं 5 अन्य घायल हैं, इनकी भी हालत गंभीर है। श्री बांके बिहारी मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर निकासी मार्ग पर स्थित विष्णु बाग वाला का मकान दशकों पुराना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों आई बाढ़ बारिश के बाद मकान और भी खतरनाक स्थिति में आ गया। मंगलवार शाम को इसका छज्जा और छत की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। वहीं श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना जाहिर की है, साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों के निःशुल्क उपचार की घोषणा की है। हालांकि मंगलवार देर रात तक इस हादसे के पीछे कारण जानने और लापरवाहों के चेहरे सामने लाने के लिए जांच की कोई घोषणा नहीं हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।